फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। श्रावस्ती जनपद में भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिरसिया कस्बे में फर्जी आधार कार्ड बनाने का कारोबार चल रहा था। इंडियन बैंक के पास जनसेवा केंद्र में दो लोगों को पुलिस टीम ने दबोच लिया। इनके पास से आधार कार्ड बनाने में प्रयोग की जाने वाली मशीनें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि सिरसिया थाने की पुलिस व क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सिरसिया कस्बे में जनसेवा केंद्र में दो लोग फर्जी तरीके से दूसरे का पहचान पत्र लेकर आधार कार्ड बनाते हैं। संयुक्त टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। यहां दो लोगों को आधार कार्ड बनाने में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पकड़ा गया। इनसे आधार कार्ड बनाने के संबंध में सरकार की ओर से जारी प्रमाण पत्र मांगा गया तो वो दिखाने में असमर्थ रहे। पूछताछ में इनकी पहचान गब्बापुर निवासी हैदर अली व असगर अली के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपितों ने पुलिस को बताया कि असम के रहने वाले नसीर अंसारी की आईडी पर इच्छुक लोगों का आधार कार्ड बनाते हैं, इसके बदले में रुपए लेते हैं। नसीर से पिछले काफ़ी दिनों से फ़ोन पर बातचीत होती है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेजा गया है।